आईपीएल 2010 का सीजन हो चुका है चालू और पहली मैच जो है वो काफी एक रोमांचक मैच हुई है और मतलब आखिर तक मैच चली गई थी ये। उसके साथ ही साथ द डिलीवर शो मैं इसको कहूंगा, जिस तरह से बॉल डिलीवर की है आरसीबी के बैट्समैन ने आउट ऑफ द पार्क, तो काफी सम्मानीय पारी खेली है सारे प्लेयर्स ने और मतलब एक पहली मैच पहली शुरुआत आरसीबी के लिए बहुत ही बेहतरीन रही है। तो दोस्तों आज दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच में खेला जाएगा ये मुकाबला, दूसरी मैच यहाँ पे होगी, क्या रहेगी प्लेइंग 11 और कौन जीत सकता है ये मुकाबला, लेट्स फाइंड आउट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, मैं हूं शिवंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्पोर्टाहोलिक बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियो आपके समझ लाने की कोशिश करते रहता हूँ जिसमें क्रिकेटर्स का भी इंटरव्यू होता है, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस यहाँ पे मैं करते रहता हूँ और उसके साथ ही साथ क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट जो भी न्यूज वगैरह आते हैं वो भी आपके सामने शेयर करते रहता हूँ। तो जो कि आप मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके समझा जाता हूँ इसके लिए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक बिना टाइम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल के मैच में एग्जैक्टली क्या हुआ था और इसके साथ ही साथ आज के मैच की प्रेडिक्शन कर लेते हैं, देखते हैं कि प्लेइंग 11 वगैरह ये सारी चीजें क्या रहने वाली है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो यार जैसे कि अभी सबको मालूम है कि 9 अप्रैल से 30 मई तक ये लंबा सीजन चलने वाला है और पहली मैच जो वो है वो काफी रोमांचक हुई थी, आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच में खेली गई थी ये मैच। आरसीबी काफी कमजोर टीम लगती है मुझे, बट फिर भी जिस पैशन के साथ खेली, जिस जज्बात के साथ खेली कल टीम, हालांकि मिसफील वगैरह ये सारी बहुत हुई कल आरसीबी के चलते हुए, बट एमआई के साथ खेल रही थी चैंपियंस, 5 बार चैंपियंस हो चुकी है एमआई की टीम, तो मतलब यार बिल्कुल भी बहुत ही बेहतरीन टीम है एमआई की। अगर आप देखो तो शुरू से लेकर अंत तक ऐसा कोई नजर ही नहीं आता कि जो कमजोर है एमआई में। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आप किसको कमजोर समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है और जो नया एक गेंदबाज लिया है, कितनी हाइट है उसकी दोस्तों, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि एक कोई कमजोर कड़ी है मुंबई के टीम के चलते हुए। बट यहाँ पे अगर कल की मैच की अगर बात की जाए तो पहले टॉस जीता था आरसीबी ने, कोहली का एक लग बिल्कुल भी था कल, बिल्कुल भी पहले से आखिर तक बहुत ही एक लकी रहे विराट कोहली, उसके साथ ही साथ बहुत ही मेहनत की होगी डेफिनेटली, बट टॉस के चलते काफी एक लकी थे कल, वो खुद भी हैरान थे जब टॉस जीता था, एक स्माइल आई थी उनके फेस पे, बट ये चलता है क्योंकि बहुत कम बार टॉस जीते और खासकर आईपीएल में भी मतलब बिल्कुल भी टॉस जीतने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके चलते टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला लिया था आरसीबी की टीम ने। इसके चलते हुए एमआई ने काफी अच्छी शुरुआत की थी, रोहित शर्मा काफी अच्छी हिट लगा रहे थे बट यहाँ पे रन आउट हो गए थे बिल्कुल भी, रोहित शर्मा और क्रिस लिन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और मतलब रोहित शर्मा हाफ ऑफ द पिच क्रॉस कर चुके थे तब क्रिस लिन ने मना कर दिया, तो वापिस आने में समय लगा और चहल ने आराम से रन आउट कर दिया था दोस्तों। बट क्रिस लिन ने भी बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है, यहाँ पे 49 रन मारे है बट बहुत ही एक बेहतरीन पारी मैं इसको कहूंगा, कि जिस तरह से एक लय में नजर आ रहे थे, बहुत ही लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे, सिंगल डबल्स के साथ भी फोकस कर रहे थे, तो एक लंबी पारी बिल्टअप करने के साथ आए उतरे थे स्टेडियम पे बट अनलकीली 49 पे आउट हो गए। इसके चलते एक ब्रेक थ्रू मिला आरसीबी को और 94 पे 3 आउट थे दोस्तों 10 ओवर के अंदर अंदर, तो मुझे लग रहा था कि मतलब आराम से अभी 200 के पार ये स्कोर जाएगा, जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप है, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, इस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप है, तो मुझे लग रहा था कि मतलब आखिर के 10 ओवर में तो आराम से 200 तक ही जाएंगे, 200 नहीं तो या फिर 190 या फिर 195 के आसपास तो जाएंगे ऐसा लग रहा था। बट जिस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने कमबैक किया है, मोहम्मद सिराज हो या फिर डैनियल क्रिस्टियन, थोड़े से महंगे साबित हुए बट विकेट जरूर निकाली उन्होंने, तो मतलब क्रेडिट गोज टू ऑल द बॉलर्स ऑफ आरसीबी। और खासकर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हर्षल पटेल की, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, काफी बेहतरीन बॉलिंग की यार दोस्तों, क्या बॉलिंग की है, आखिर के ओवर में आप देखो तो 3 विकेट और 1 रन, तो मतलब काफी सम्मानीय पारी है खेली है उन्होंने, काफी एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़े है। अभी कल के मैच में इकोनॉमी अगर बात की जाए उनकी, तो 6.75 की इकोनॉमी सिर्फ थी, वो भी 20 ओवर्स के, मतलब 4 ओवर्स की इकोनॉमी ये है और 2020 में ये इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। और अगर आप हर्षल पटेल का देखो तो पहले ओवर में 13 रन खाए थे, तो इसके चलते हुए भी मतलब जिस तरह से उन्होंने दूसरे तीसरे और चौथे ओवर में कमबैक किया है, तो काफी बेहतरीन कमबैक किया है। और हर्षल पटेल इज द एपिक फाइंड फॉर आरसीबी, क्योंकि
ऑक्शन के दौरान उनको नहीं लिया था, फिर बाद में ट्रेड किया उसको, तो दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिलीज किया और फिर आरसीबी ने उनको लिया था। और जैसे कि आज हर्षल पटेल ने कल बताया कि मतलब मुझे आते ही टीम में आते ही उन्होंने बताया था कि मेरा रोल है डेथ बॉलिंग में अच्छे से करना, तो उस पर मैंने फोकस किया और कल उसको रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों एमआई की अगर बात की जाए तो काफी एक बेहतरीन कमबैक किया था, जब पहले थोड़े से मतलब विराट कोहली बहुत ही एक अच्छे से लय में नजर आ रहे थे, मतलब वॉशिंगटन सुंदर ने कल ओपन किया था बट उसके चलते हुए कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाली जो एक्शन है, एक तो मतलब ओपनिंग ज्यादा नहीं करते हैं, डोमेस्टिक सीरीज में ओपनर जरूर है बट डोमेस्टिक और यहाँ पे बहुत ही जमीन आसमान का डिफरेंस है। और ट्रेंड बोल जैसे बॉलर अगर आपको बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। तो उसके बाद में विराट कोहली ने थोड़ी सी एक अच्छी पारी खेली ग्लेन मैक्सवेल की, मैं यहाँ पे जरूर तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आरसीबी के साथ जब से जुड़े हैं तो प्रैक्टिस मैच में भी एक सेंचुरी लगा चुके हैं और अभी कल की अगर आप उनकी इनिंग देखो तो बहुत ही बेहतरीन इनिंग थी और 3-4 सिक्स उन्होंने इनिंग में लगाए, उसमें से 2 सिक्स तो मतलब रिवर्स स्वीप के ही थे और काफी बेहतरीन सिक्स थे और 1 सिक्स तो आउट ऑफ द पार्क चला गया, 100 मीटर का छक्का, लंबा छक्का उन्होंने लगा दिया था, बॉल को भेजा है बायोसिक्योर बबल के बाहर दोस्तों। तो इसके चलते हुए मतलब एक अच्छे मोमेंटम नजर आ रही थी बट उसके बाद में विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लगातार गिरा तो ऐसा लगा था कि अभी बात खत्म, बट जब बात खत्म होने का नाम आता है तब एबी डिविलियर्स का नाम सामने आता है दोस्तों। और कल के मैच में भी ऐसा ही हुआ था, मतलब उन्होंने जो आके पारी को बिल्ड किया, फिर 22 गेंदों में कुछ 39 रन चाहिए थे, फिर धीरे धीरे करके मतलब बुमराह को भी लंबे लंबे छक्के मारे, फोर मारे, तो उसके बाद में एक ही ओवर में 8 रन चाहिए थे और उसके बाद में पहले ओवर में उन्होंने चौका लगा दिया तो 4 बॉल में 4 रन चाहिए थे, उसके बाद में एबी डिविलियर्स हो गए रन आउट, तो 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, तब हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज खेल रहे थे तो उसके चलते आराम से वहां पे जीत हासिल किए। आरसीबी तो मतलब आखिर तक मैच लेके जाती है तो पता नहीं चलता कि किसकी तरफ मैच जा रहा है जब आरसीबी का मुकाबला होता है, बट कल के मैच में बिल्कुल भी उन्होंने साबित कर दिया कि इस साल कुछ अलग अंदाज में खेलने वाले हैं हम और कुछ पॉजिटिव माइंडसेट लगा सारे खेमे के अंदर, तो बिल्कुल भी आरसीबी के जीतने के चांसेस ज्यादा है टाइटल, बट देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर आज के मैच की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही बड़ी बड़ी टीम्स है और चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात की जाए तो इस साल तो काफी स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, जिस तरह से उनके पास अभी बल्लेबाज भी मौजूद है, अभी उन्होंने मोइन अली को भी लिया है तो एज अ बॉलर भी वो खिलवा सकते हैं उनको, रविंद्र जडेजा तो है, एमएस धोनी है, फिर अंबती रायडू भी फिट होंगे इस साल, उसके चलते हुए अंबती रायडू और फाफ डी प्लेसिस ओपन करेंगे मेरे हिसाब से, 1 डाउन यहाँ पे मैं रखवाना चाहूंगा एमएस धोनी को डायरेक्टली, या फिर सुरेश रैना भी अभी इस साल मौजूद है तो सुरेश रैना के साथ भी जाना चाहूंगा मैं, तो सुरेश रैना के बाद एमएस धोनी, फिर यहाँ पे रॉबिन उत्तप्पा है तो ये पहले 5 बल्लेबाज हो गए, फिर रविंद्र जडेजा, फिर सैम करण है, तो बहुत ही बेहतरीन डेप्थ है उनके अभी बल्लेबाजी में जैसे पहली थी, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं मतलब उनके तो 3 बॉलर्स है तो लुंगी एनगिड़ी, दीपक चहर, ये 2-2 और इमरान तहिर को मैं यहाँ पे खिलवाना चाहूंगा, तो देखते हैं क्या रहेगी प्लेइंग इलेवन बट मेरे हिसाब से ये प्लेइंग इलेवन रहेगी पहले मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन उनके पास मौजूद है, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को भी खिलवा सकते हैं अंबती रायडू की जगह पे, तो देखते हैं क्योंकि पिछले साल काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि चेन्नई क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बट काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, काफी कोशिश की थी ऋतुराज गायकवाड़ ने और इसके चलते है मतलब अंबती रायडू के जगह पे वो खेल सकते हैं मुझे लगता है, बट बाकी की प्लेइंग इलेवन मुझे लगता है कि सेम रहेगी। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा मिस है दोस्तों, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं खेलने वाले कुछ पहले मैचेस, सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, रिकवरी भी अच्छे से हो जाएगी बट पहले कुछ मैचेस तो डेफिनेटली मिस करेंगे, यहाँ पे ऋषभ पंत कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन के ऊपर अगर आप नजर डालो तो पहले से लेकर अंत तक उनकी भी बैटिंग स्ट्रांग है दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि पहले शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, फिर 1 डाउन मैं रखवाना चाहूंगा, यहाँ पे अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो 1 डाउन श्रेयस अय्यर की जगह पे अजिंक्य रहाणे, फिर 2 डाउन यहाँ पे ऋषभ पंत, तो उसके बाद में टॉम करन या फिर मार्कस स्टॉइनिस, ये उनके पास अभी मौजूद है तो ऐसे कुछ नहीं है कि उनकी जब श्रेयस अय्यर के चलते थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी बट इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है जितना आप सोच रहे हो। तो अगर बॉलिंग की अगर बात की जाए तो उनके पास बॉलर्स अच्छे से मौजूद है दोस्तों, क्योंकि कगी सोराबाड़ा या फिर अगर अक्षर पटेल, ये 2 बॉलर उनकी बहुत ही एक स्ट्रांग जोन है दोस्तों, क्योंकि
यहाँ पे अक्षर पटेल बहुत ही एक लाइन एंड लेंथ अच्छे लाइन एंड लेंथ के साथ बॉल करते हैं और उसके साथ ही साथ कभी सौरभ बाड़ा विकेट टेकिंग बॉलर है और उसके साथ ही साथ इस साल टॉम करण भी उनके पास है, तो ये तीन और अमित मिश्रा ये चार यहाँ पे बॉलर अच्छे से एक्सपीरियंस्ड बॉलर यहाँ पे मौजूद है, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे उनकी भी लाइनअप है, तो काफी कांटे का टक्कर ये होने वाली है, काफी कांटे की टक्कर ये होने वाली है, तो देखते हैं कि क्या होता है आज के मैच में। मुझे तो लगता है आज के मैच चेन्नई सुपर किंग्स अपने जोन में डाल देगी। तो तब तक फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरा ये एनालिसिस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियोस आपके सामने रहता रहूं इसके लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसी वीडियो आपके सामने रहता रहूं तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ, बाय बाय।